सबसे पहले तो आगरा वासियों को मेरा बहुत बड़ा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। ताज महोत्सव में परफॉर्म कर रहा हूँ, पहली बार गा रहा हूँ और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वैलेंटाइन के बीच में आपके कुछ गाने भी आए हैं, किस तरह के गाने हैं और दर्शकों को नया क्या आप देने वाले हैं? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि मैं सभी को पता है कि सोशल मीडिया पर जुड़ा हुआ हूँ, लोगों के कमेंट चेक करता हूँ कि लोग क्या मांग रहे हैं मुझसे, उस हिसाब से मैं उनके लिए गाने देता हूँ। जैसे कि मेरा एक बहुत ही कमाल का गाना आया था मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पर, सलमान अली ऑफिशियल पे, जरूरी है, कुछ हटके कुछ यूनिक आया था, यूके साउंड कर रहा था वो गाना और उसको भी बहुत प्यार मिल रहा है, लोगों ने बहुत प्यार दिया है। तो जैसे लोग, जैसे मेरी ऑडियंस, जैसे मेरे फैंस मुझसे मांगते हैं, उस हिसाब से उनको मैं अपने गाने देता हूँ। सलमान भाई, ताज महोत्सव के स्टेज पर आपके जज रहे जावेद अली ने परफॉर्मेंस किया, आप भी उसी स्टेज पर परफॉर्मेंस किया। जी, मेरी खुशनसीबी है कि जो हमारे गुरु, हमारे जज साहब जावेद अली साहब, जो कि बहुत ही कमाल के सिंगर है, बहुत सीनियर है, वो भी इस मंच पर परफॉर्म कर गए हैं, वो भी अपना प्यार बांट कर गए हैं और फिर हमें भी मौका मिला है। जावेद अली के बाद सीधा सलमान अली आया है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि जावेद अली सर जो है बहुत ही गुणी इंसान है, बहुत ही प्यारे इंसान है, तो अच्छा लग रहा है कि मुझे भी यहाँ पर एक मौका मिला है। सलमान भाई, एक अहम सवाल है कि आप रियलिटी शो का हिस्सा रहे हैं, अक्सर उन पर फेक होने का आरोप लगता है, क्या कहेंगे इस कंट्रोवर्सी पर? देखिए, ऐसा कभी भी नहीं होता कि लोग बोलते हैं कि पैसे लेते हैं, लोग बोलते हैं फेक है। मैं भी अभी सुपरस्टार सिंगर कर रहा हूँ, सीजन 1 भी किया मैंने, सीजन 2 भी किया, अभी सीजन 3 कर रहा हूँ और आप सभी के प्यार से इस बार मैं उसमें जज हूँ खुद, तो ऐसा नहीं है। देखिए क्या होता है ना, जब हम रियलिटी शो में जाते हैं ना, तो हम खुद ही बताते हैं कि मैं यहाँ से हूँ, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम हुई थी, मेरे साथ में ये सब कुछ हुआ था, तो ये हम बताते हैं तभी तो होता है, वरना नहीं होता। फिर बाद में जब हम टीवी पर आते हैं फिर हम शर्माते हैं, अरे नहीं यार, ये मत दिखाओ, ये मत बोलो, ये मत करो, तो ऐसा कुछ ही नहीं है। हम लोग बताते हैं तभी वो दिखाते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता हमारे बारे में, हमारे लाइफ के बारे में उनको क्या पता, तो सब रियल होता है, सब रियल होता है, कोई फेक नहीं होता। रिमिक्स और फ्यूजन की दौड़ में क्लासिकल और सूफी किस तरह से आप देखिए, हर जॉनर में अपना अपना जो अपने अपने जो जगह है वो सब बेस्ट है ना, फ्यूजन, रॉक एंड क्लासिकल, सूफी, सब इंसान को हर चीज चाहिए है ना। अगर मुझे कोई बोलेगा कि सूफी, तो बोलेंगे सलमान अली है ना, रॉक स्टार में बोलेंगे तो बहुत सारे नाम आएंगे, बॉलीवुड में अरिजीत सिंह, तो ऐसा एक अलग अलग सबकी पहचान बनी हुई है। ये बात अलग है कि हम सब गा लेते हैं है ना, क्योंकि ऑडियंस की फरमाइश है, शर्माते रहते हैं हमेशा, तो उनके लिए सब कुछ सुनाना पड़ता है, तो अपने आप में एक सारा ही सारे जॉनर में गाना इंसान को बहुत जरूरी है और हर एक चीज बहुत जरूरी है। सलमान अली शादी तो कर रहे हैं, मैं अभी कर लूंगा यार, अभी तो बच्चा ही मैं देता हूं, तो फेवरेट सिंगर, मेरे फेवरेट सिंगर उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब एंड अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल, सारे सिंगर हैं। मोहब्बत के शहर में दो लाइनें गुनगुनाएं, मोहब्बत के शहर में तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राह हो मैं आकर तो देखूं।